तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं कि ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है और सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में हम लोग काम को कैसे डालेंगे। ये हमारे पास एक कस्टमर आए हुए हैं, वो ऐसे ही मार्केट से मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आए थे। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना देता हूँ, अपने बच्चों को सिखा देता हूँ, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में 90% लोग नहीं जानते कि मोबाइल फ़ोन में काम को सही से कैसे फिट किया जाता है। काम को तो फिट करते हैं, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये पैटर्न लगा होता है। अपने पैटर्न खोला सैमसंग के मोबाइल फोन में, मैं टच चेक करने का कोड बताता हूँ। स्टार है, 0 स्टार है, जैसे टाइप करेंगे तो ऐसा ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर टच का ऑप्शन आता है, टच में आप क्लिक करेंगे, ये जितना पूरा सर्कल होता है, इस सर्कल को क्या करना होता है, कैप्चर करना होता है ऐसे। इससे हम लोग टच चेक कर लेते हैं कि टच हमारी सही है कि नहीं सही है। पास हो गया, पास होने का मतलब हमारा ओके हो गया, अब इसमें से लग गया। तो ये हमारा काम वो सही चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा हो रही है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मोबाइल फ़ोन में डालेंगे। कैसे डालेंगे, इसका तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले काम्बो को बाहरी लगा के चेक करेंगे फिट करने से पहले। उसके बाद फ़ोन को बंद करिए, जब फ़ोन बंद हो जाए, LCD का बेल्ट का पत्ता है, आप इसको हटा दीजिए, ये नया काम्बो है। इसके बाद इसको मोबाइल फ़ोन में लगाएंगे कैसे, सबसे पहले नीचे का जो पत्ता है, UI पत्ता है, सारा सब कुछ खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। नीचे का जो लाइन लगा हुआ है, ये आपका नेटवर्क के लिए है। नीचे का UI पत्ता वगैरह सब इसी में दिया हुआ है। चलो हम लोग इसको खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद इसको पहले अच्छे से एंटीना फिट कर देंगे। एंटीना फिट करने के बाद जब ये काम्बो लगेगा तो ये बेल्ट ऊपर से लगेगा आकर के, और ये बोर्ड है सब इसका खुला उला सब बोर्ड ऐसे पड़ा हुआ है, इसको हमको फिट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले उस बोर्ड को आप बाहर निकाल लीजिए। ये नीचे का UI दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, काम्बो को पहले ऐसे से चिपकाएंगे। अच्छे से चिपकाने के लिए इसके जितने भी सारे स्क्रू हैं, सारे स्क्रू को हम लोग पहले इसमें चिपके हुए हैं सब बाहर निकाल देंगे। जो इसका शीशा लगा हुआ है, इस शीशे को अच्छे से साफ करेंगे। काम्बो लगाते समय बाल के ध्यान रखेंगे, ये काम्बो प्रॉपर अच्छी तरीके से चिपकना चाहिए। अगर अच्छी तरीके से चिपकेगा नहीं तो हमारा काम नहीं करेगा। इसको चारों तरफ साफ कर लेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे हल्के हल्के ग्लास के टुकड़े हैं, बहुत टूटा हुआ था तो ग्लास के टुकड़े लगे हुए हैं। अगर इसको साफ नहीं करेंगे अच्छे से तो ये डिस्प्ले में छुप जाएगा, डिस्प्ले हो सकता है काम्बो लगाने में आपका ख़राब हो जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, अच्छे से इसको क्लीनिंग कर लें। ऐसे आँख फेर लेंगे, एक भी कांच का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, एक बार का ध्यान रखेंगे ताकि काम वो खराब ना हो। ये जितना भी सारे टुकड़े हैं इसको साफ कर देंगे।
उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ग्लू लगाएंगे। ग्लू हमेशा कहाँ पर लगाएंगे, साइड में लगाएंगे। और ना तो ग्लू नीचे जाना चाहिए ना ग्लू आपका ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ग्लू को लगाने के बाद फिर इसको हम लोग चिपका देंगे काम्बो को। ये काम्बो का यूआई का पत्ता यहाँ पर कनेक्ट होता है, ये तुम्हारे एलसीडी का पत्ता है, यहाँ से हम लोग एलसीडी लगा देंगे और ये यूआई लगा देंगे। ये आपका काम्बो बैठ गया फोन के अंदर। इसको हाथों से ऐसे रफ कर देंगे ग्लू लगाने के बाद, ताकि आपको साइड से लाइट नहीं निकलनी चाहिए। सैमसंग के फोन में लाइट निकलने की बहुत शिकायत आती है। लाइट निकलना बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसका यूआई लगाएंगे। यूआई लगाने के बाद यूआई की जो कनेक्टिविटी पत्ता दिया हुआ है उस पत्ते को आप अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद नीचे के जो जैक लगे हैं इसको जैक को लगा देंगे और इसको टाइट कर देंगे। जैसे टाइट कर देंगे तो ये आपका नीचे का एरिया पूरा पैक हो जाएगा। स्क्रू को हम लोग टाइट करेंगे। जबरदस्ती स्क्रू को टाइट नहीं करना, जितना स्क्रू अंदर जाए उतना ही डालना है। उसके बाद बोर्ड लिया, बोर्ड में फिटिंग कर दिया। ये तुम्हारे एलसीडी के बेल्ट का पत्ता है, इसको हमने ऐसे जैसे लगा था वैसे ही लगा दिया। उसके बाद ये एंटीना है, इसको एंटीना को आप अच्छे से सेट करते हुए जाएंगे। ये हमारा नेटवर्क वाला एंटीना होता है, इसको हम लोग ऐसे लगा देंगे। बैटरी लगा दिया। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच पत्ता है, ऑन ऑफ स्विच पत्ते को भी लगा देंगे। और ये पत्ता तुम्हारा हमारा लगा था बॉडी पे, कहाँ पर लगा हुआ था, बॉडी पे लगा था। इस पत्ते को लगाने के बाद इसको हम लोग अच्छे से पैक कर देंगे। ये इसकी बॉडी है।
इसको हम लोग अच्छे से प्रॉपर से टाइट करेंगे। इसके जितने भी सारे स्क्रू हैं सारे स्क्रू को फिर अच्छे से कस देना है आपको जी। जो भी सारे हैं सारे स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद ये ऑन ऑफ का पत्ता है ये इसमें लगा था। सबसे पहली बार ये पत्ता एक बेल्ट ग्रुप में लगा हुआ था यहाँ पर, जिसे आपको ऐसे लगा देना है। अगर ये दिक्कत कर रहा है तो आप इसका स्विच का लॉक दिया हुआ है आप इसको खोल लेंगे। ये जो ऑनर स्विच है इस ऑनर स्विच को हम लोग क्या करेंगे पहले पत्ते में फिट कर लेंगे। ऑनर स्विच को दबाने के लिए हमारा लॉक भी लगा हुआ था, हम लोग इस लॉक को लगा लेंगे। अभी ऑन ऑफ का जो बेल्ट लगा था ये जैसे लगा था वैसे ही हम इसको फिर से लगा देंगे। बेल्ट लगाने के बाद जो इसका लॉक लगा हुआ है तो बेल्ट के लॉक को फिर से हम वापस लगा देंगे। उसके बाद इसको जैसे खुलाता है वैसे इसको क्या करेंगे पैक करेंगे। हैक करने के बाद ये हमने मोबाइल फ़ोन को ऑन किया है। ऑन करने के बाद ये देखिए मोबाइल फ़ोन हमारा चालू हो गया है। इस मोबाइल फ़ोन में ऑन बटन देखिए दब रहा है, दबने का मतलब होता है इसका स्विच जो है वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट मार रहा है, दिक्कत कर रहा है, मतलब प्रॉपर नहीं सेट हुआ है। तो हम लोगों को इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। जब तक इसकी अच्छे से ऑनर स्विच की सेटिंग नहीं बनेगी तब तक ये बोर्ड अच्छे से बैठेगा नहीं।
इस ऑन ऑफ बेल्ट को खोलेंगे, ये प्रॉपर से दब नहीं पा रहा है। ना दबने का मतलब होता है ये अच्छे से फिट नहीं हुआ है। हम लोगों ने इसको पलट के लगाया, क्योंकि जब तक ये अच्छे से बैठेगा नहीं तब तक आप इसको नहीं लगा सकते हैं। ये स्विच होता है, स्विच के अंदर ये बटन लगा हुआ दिख रहा है, ये बटन है, ये बटन यहाँ टच होता है, प्रेस होता है। इस बटन को भी किसी ने डैमेज किया हुआ है, पहले से फ़ोन बना हुआ है तो डैमेज है, जिस कारण से इसका सेटिंग नहीं बन पा रहा है। ये हमारा बटन काम कर रहा है। हम लोग जब भी मोबाइल फ़ोन में बटन डालेंगे, थोड़ी देर कॉम्बो डालेंगे तो फ़ोन को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। बंद इसलिए कर देंगे ताकि आपका कॉम्बो अच्छी तरीके से चिपक जाए, सूख जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सीखा हुआ है कि कैसे हमारे पास जो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें से कॉम्बो को कैसे डालेंगे, उसका तरीका मैंने बताया है। अब इसमें हम लोग गेटिस से क्या करेंगे, इसका बाइंड अप करेंगे। सर गेटिस दे दीजिए दोस्तों, ये सिमटे डाला। अब इसको हम लोग गेटिस को अच्छे से टाइट करेंगे। गेटिस लगाते समय देखो मैं बताता हूँ, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसमें डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाती है, धब्बा आ जाता है या लाइन लाइन आने लगती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, यहाँ पर क्रिस्टल का पत्ता लगा होता है। यहाँ पर कभी भी आप गेटिस को टाइट करके नहीं लगाएंगे, अगर टाइट करके लगा देंगे तो यहाँ पर कॉम्बो में आपके निशान आ जाएंगे, तो हमेशा थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे। यहाँ पर दबाव नहीं देना, यहाँ पर दबाव दोगे कॉम्बो टूटेगा तुम्हारा। तो मैंने इसको लगा दिया ग्लू, उसके बाद ये हमारा फ़ोन ओके हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने सीखा कि सैमसंग का मोबाइल फ़ोन आता है, सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में हम लोग कॉम्बो कैसे डालेंगे उसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पूरा बताया है। तो वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। ओके।